चार देवियों भाइयों, जब हमारे गुरुदेव ने आज से 60 वर्ष पहले हमारे घर पर आकर के दीक्षा दी और ये कहा कि तुम्हें मैं ऐसी गायत्री सिखाना चाहता हूँ जिसमें कि रिद्धियाँ और सिद्धियाँ प्रत्यक्ष हों। लोगों को शिकायत है कि हमने इतनी पूजा की, जब किया, न हमारे हाथ कुछ लगा, न हमको शांति मिली, न कोई चमत्कार हम दिखा सके, न कोई और विशेषता मिली हमको। लेकिन हमारे गुरु ने कहा हम जो चीज़ देंगे वो ऐसी चीज़ देंगे तो निहाल हो जाएगा। लेकिन एक और बात कही उन्होंने कि बोना और काटने की बात को भूलना मत, कहीं से फोकट में नहीं मिलता। कोई गुरु हो, देवता हो, कोई भी कौन हो, फोकट में देने के लिए कोई भी रजामंद नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि बोया जाए और काटा जाए। बोए और काटने में बहुत फर्क पड़ता है। एक बीज मक्का का हम बोते हैं और उसमें 100 बीज की का एक वो पैदा हो जाता है। बाजरे की बाल हम बोते हैं, एक बाजरा हम बोते हैं उसमें 100 बाजरे, 100 से भी ज़्यादा हो जाते होंगे, बहुत पैदा हो जाते हैं। ये बोने की बराबर है। बोना और काटने की विद्या को सीख, मेरे पास क्या है आप बताइए। उन्होंने कहा 3 चीज़ें भगवान की दी हुई हैं और 1 चीज़ तेरी कमाई हुई है। 3 चीज़ भगवान की दी हुई क्या? शरीर भगवान ने दिया है 1, बुद्धि भगवान ने दी है 2, भावनाएं भगवान ने दी हैं 3। 3 शरीर हैं हमारे, सूक्ष्म स्थूल और कारण, इनमें 3 चीज़ें भरी जाती हैं। जो हमारा स्थूल शरीर है उसमें श्रम और समय, सूक्ष्म शरीर जो है इसमें हमारे में मन और बुद्धि और कारण शरीर में भावना है। एक चीज़ वो है तेरी कमाई हुई क्या, हमारी कमाई हुई क्या? धन, धन मनुष्य कमाता है, भगवान नहीं दिया करता। न किसी को गरीब बनाता है, न किसी को अमीर बनाता है, न किसी को कंगाल बनाता है, न किसी को मालदार बनाता है। ये तेरा बोया हुआ है तो बोना शुरू कर। तो हमने कहा कहाँ बोया जाए इसको? भगवान के खेत में बो, अर्थात जन समाज की सेवा के लिए, जन समाज को का कल्याण करने के लिए, जन समाज को ऊंचा उठाने के लिए, समन्वित बनाने के लिए, संस्कृत बनाने के लिए जो तू कर सकता हो कर। इन 3 और 4 चीज़ों को जो तेरे पास हैं लगा, ये सौगुनी हो जाएंगी और तू मालदार हो जाएगा और दी से दी तेरे आगे पीछे फिरेंगी। बस मैं तैयार हो गया। क्या करना चाहिए? जो हमारे पास है वो बोया जाए। क्या चीज़ें हैं हमारे पास? मैंने देखा शरीर है, निश्चय कर लिया। रात सोने के लिए होती है, रात को तो मैं सोता भी रहा हूँ। जो कुछ राम नाम मुझसे बना है, मैंने राम का नाम रात में लिया है, दिन में लिया नहीं, दिन में कभी नहीं लिया। दिन में मैंने कभी राम का नाम नहीं लिया। रात को सोते समय में, सोने से लेकर के सूरज डूबने से लेकर सूरज उदय होने तक, चारपाई पे पड़े हुए अथवा कहीं भी किसी भी हैसियत में मैंने भगवान का नाम लिया है और बाकी समय भगवान का काम किया है। सूरज निकलने से सूरज उदय होने तक ये मेरा श्रम सारे समाज के लिए लगा, भगवान के लिए लगा। एक बुद्धि भी इसी के लिए लगी। लोगों की अकल जाने कहाँ कहाँ पड़ती रहती है। कोई मालदार बनता है, कोई महल बनाता है, कोई उन्नति करता है, कोई किसी से अपने बैर का बदला चुकाता है, जाने क्या क्या आदमी के दिमाग में होती है। मेरे दिमाग में कोई बात नहीं आई, सिर्फ एक ही बात आई कि भगवान के लिए हमारी अकल और हमारी बुद्धि का उपयोग किस तरीके से किया जा सकता है और कैसे करना चाहिए। बस मैं यही विचार करता रहा। जो समस्याएं सामने थीं समाज की, मैंने अपना सारे का सारा मन भगवान के लिए लगाया। और क्या था मेरे पास? और मेरे पास थी भावनाएं, संवेदनाएं। ये भी मैंने भाव संवेदनाएं किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी कुटुंबी के लिए, खानदान वाले के लिए, बेटे बेटी के लिए कहीं खर्च नहीं की। ये सारी की सारी संवेदनाएं भगवान का जो सारा विश्व है इसको सुखी और समुन्नत बनाने के लिए मैंने निरंतर व्रत किया, अपने सुखों को बांटने के लिए और अपने दूसरों के दुखों को बटाने के लिए। मेरी संवेदनाएँ यही विचार करती रही, मेरे पास सुख का कोई साधन है तो मैं किस तरीके से बांट सकता हूँ और किसी के पास दुख है तो मैं किस तरीके से बटा सकता हूँ। भावनाएं मेरी इसी कार्य में लगी रही, 3 और 4 लगी रही और जो मेरे पास धन था वो मैंने खर्च कर दिया। कौन के लिए? भगवान के लिए। फिर क्या मिला आपको? चलिए मैं ये बताता हूँ आपको क्या मिला और इससे आगे जो करने वाला हूँ उससे क्या मिलने वाला है। आप भी ध्यान रखिए, केवल मैं अपनी कहानी नहीं सुना रहा हूँ, आपको भी ये समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि साधना उपासना के बाद में आराधना एक और करनी पड़ती है। बस अब ये आराधना में समझा रहा हूँ आपको। आराधना माने भगवान के लिए देना, समाज के लिए देना, समाज के खेत में बोना, इसी की बात बोलता हूँ। और चीज़ हमारा मन,
और हमारी बुद्धि, हमारी बुद्धि बड़ी, हमारी बहुत बुद्धि है, बहुत प्यारी बुद्धि है, इतनी बुद्धि कि जितनी बुद्धि शायद ही कदाचित की किसी की हो, बहुत प्यारी बुद्धि है। चारों वेदों के हमने भाष्य किए हैं, 18 पुराणों का भाष्य करने में केवल व्यास जी समर्थ हुए, उन्होंने काम किया और हमने तो जाने की कितने कितने कर डाले, सारे ऋषियों ने जितना भी मिल करके काम किया था वो सब काम कर डाला। नया युग बनाने का प्लानिंग करते हैं हम अकेले, पंचवर्षीय योजना सरकार बनाती है और बनाने के लिए कितना बड़ा स्टाफ रखती है, पंचवर्षीय योजना केवल हिंदुस्तान के लिए, और हम हजार वर्षीय योजना बनाते हैं सारे संसार के लिए, सारे मानव जाति के लिए। कोई स्टाफ है हमारे पास, कहाँ से स्टाफ आया, बिना स्टाफ के बिना हम योजना बनाते हैं। हमारा बहुत पुराना दिमाग है, ऐसा सारा दिमाग है आपको कभी कभी दुनिया में शानदार दिमाग देखने हों तो आप हमारा दिमाग देखना, हमारा बहुत तीखा और बड़ा पैना और बड़ा गंभीर, बड़ा तेजस्वी दिमाग। और क्या पाया आपने, आपने भाव संवेदनाएं, हमने बहुत प्यार किया है, प्यार खरीदा है और प्यार बेचा है, प्यार की हम तजारती हैं, प्यार की, प्यार के सौदागर आप समझना, हमने और कुछ किया ही नहीं है, प्यार ही खरीदते रहे, प्यार ही बांटते रहे, प्यार ही जमा करते रहे, प्यार की दौलत हमारे पास है। और हमारा धन हमने तो नहीं कमाया था, पहले जन्म का कमाया हुआ रहा होगा कोई, और पहले जन्म का रहो घर के पिताजी की मार्फत हमको मिला, हमने वो सब खर्च कर डाला। कैसे कैसे खर्च किया वो हमने इस तरीके से खर्च किया कि जो जिम्मेदारियाँ समाप्त हुई, जिम्मेदारी के जो बॉन्ड आए, उन बॉन्डों से गाती तो वह उनके निर्माण करने के लिए सारा पैसा लगा दिया। हमारी बीवी के पास 60-65 तोले सोना था, ये भी उनसे कह करके तुम क्या करोगी, उनको बेच करके वो भी गायत्री तपोभूमि के निर्माण में लगा दिया। ये सारा पैसा हमने अपना खर्च कर डाला। फिर आपके पास क्या मिला, हमको पैसा बहुत मिला है, कितना पैसा है हमारे पास, अंधाधुंध पैसा है बिरला जी, अरे मरे बिरला जी, हमारे पास बहुत पैसा है। आपने गायत्री तपोभूमि देखा है, लाखों रुपये की जायदाद है, युग निर्माण योजना देखी है, लाखों रुपये की जायदाद, खंडित कार्यालय का प्रयास और दूसरा देखा है, लाखों रुपए की जायदाद, आपने शांति कुंज देखा है, लाखों रुपए की जायदाद, अपनी गायत्री तीर्थ गायत्री नगर देखा है, ये लाखों रुपए की जायदाद है, आपने यहाँ वर्चस्व देखा है, ये भी लाखों रुपए की जायदाद है। लाखों रुपए की तो ये बिल्डिंगें हैं, और बिल्डिंगों के अलावा इन बिल्डिंगों के साथ साथ में जुड़े हुए जो जो खर्चे हैं, एक साल भर में 1 करोड़ रुपये का इधर का उधर आवागमन हमारे द्वारा हो जाता हो तो कोई अचंभे की बात नहीं है। 25 मोटरें हैं, कहाँ की कहाँ पड़ती हैं, उनके कितना पेट्रोल चलता है, कितना क्या होता है, उसमें कितने आदमी जाते हैं, उनके उनके लिए कितना खर्च होता है, ये बहुत पैसा खर्च होता है। ये क्या हो गया, हमने बोया और काटा, बोया और काटा, ये क्या है हमारी, ये है आराधना समाज के लिए, भगवान के लिए, समाज के लिए, भगवान के लिए। और ये रिद्धि है हमारी, आत्मसंतोष, अपने जीवन पर हमको बड़ा संतोष है, औरों को संतोष नहीं है, रुपये से संतोष है, न दौलत से संतोष है, न ख्याति से संतोष है, न यश से संतोष है, किसी से संतोष नहीं है, लेकिन हमारी बराबर संतोषी ब्राह्मण आपको शायद ही कहीं देखने को मिले। संतोष के अलावा हमारा लोक सम्मान, ये सिद्धियाँ बताता हूँ, रिद्धियाँ बताता हूँ आपको, रिद्धियों की इसे बताते हैं, अणमा गणमा महिमा लगमा, पानी पर चल लेते हैं, हवा में चल लेते हैं, इससे क्या बनता है, लोक सम्मान, लोक सम्मान, सम्मान तो हमको बहुत मिला नहीं, आपको नहीं मिला, ब्याह हुआ था तो हमारा बहुत सम्मान हुआ था, और हमको घोड़े पे बैठाया गया था और तिलक लगाया गया था और आरती उतारी गई थी। अरे सम्मान उसे कहते हैं जिसमें सहयोग मिलता है, सम्मान गांधी जी का।